आज हम गोलगप्पे का दो तरह का पानी बनाएंगे, एक तो खट्टा मीठा पानी और दूसरा चटाकेदार चटपटा तीखा पानी। तो स्टार्ट करते हैं इन्हें बनाना। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 60 ग्राम इमली ली है और इमली को मैं गर्म पानी में भिगोकर रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप नॉर्मल पानी में भी भिगो सकते हैं और 1 घंटे में ये भीग कर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर ये गर्म पानी में 20 मिनट में ही भीग कर तैयार हो गई है और जब इमली इस तरह सॉफ्ट हो जाए तो आप उसे पीस के तैयार कीजिए। मैं यहाँ इसे मिक्सी के जार में डाल रही हूँ और मिक्सी के जार में डालकर हमें इसे पीस लेना है। अब मैंने ये इमली पानी सहित इस जार में डाल दी है और इसे हम पीस के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इमली पीस कर तैयार हो गई है, तो अब हमें इसे छान लेना है। तो एक बर्तन में आप छलनी रखिए और इसे छान लीजिए। ये मैंने इमली इसके अंदर डाल दी है और इसे हम चम्मच की हेल्प से इस तरह छान लेंगे। आप देखेंगे कि जो पल्प है वो सारा नीचे आ जाएगा और इसमें जो रेशे हैं छलनी में रह जाएंगे। इस इमली का यूज़ कर कर हम यहाँ पर दो तरह का पानी बना रहे हैं, एक तो खट्टा मीठा पानी और दूसरा चटाकेदार चटपटा पानी। तो अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने इमली को छान लिया है, ये रेशे छलनी में रह गए हैं और जो इमली का पल्प है वो अलग हो गया है, ये आप देख सकते हैं। तो इस इमली के पल्प में से मैं थोड़ा सा पल्प अलग निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने 2 चम्मच इमली का पल्प निकाल लिया है। यहाँ पर जो ज़्यादा पल्प है उसे हम खट्टा मीठा पानी बनाने के लिए यूज़ करेंगे और जो 2 चम्मच अलग निकाला है उसका यूज़ हम तीखे पानी के लिए करेंगे। अब यहाँ गैस पर एक पैन रखा है मैंने और उसमें 1 गिलास पानी डाला है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और इसमें अब ये 100 ग्राम गुड़ मैंने ऐड किया है। यहाँ पर गुड़ को मैंने कट करके इसमें ऐड किया है और अब आप इसे अच्छी तरीके से पिघलने दीजिए, लगातार इसे चलाते रहिए। यहाँ पर हम ये खट्टा मीठा पानी बनाकर तैयार कर रहे हैं और अब यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का पल्प और अब इसे हमें थोड़ी देर पकाना है। इस तरह लगातार इसे चलाते रहिए, अच्छी तरीके से इसे मिक्स कीजिए और अब ये आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो गुड़ है वो मेल्ट हो गया है और अब इसमें एक उबाल आने दीजिए। हम यहाँ इससे खट्टा मीठा पानी बना रहे हैं इसलिए एक उबाल ही काफ़ी है इसमें, हमें यहाँ इसकी चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि धीरे धीरे उबलने दें और इसकी हम मीठी चटनी बनाएं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। अब ये एक उबाल आ गया है तो मैं यहाँ अब गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ और अब इसे अच्छी तरीके से आप ठंडा होने दीजिए। फ्रेंड्स, आप इसे ठंडा होने के बाद फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपको खट्टा मीठा पानी बनाना हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने ये पानी जो है वो बोल में डाल दिया है और अब इसमें मैंने डाला है 1 लीटर पानी। इसमें मैंने डाली है 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक जो सादा नमक हम डेली खाते हैं वो, और 1/2 चम्मच काला नमक। अब मैंने यहाँ इसमें ऐड किया है 1 चम्मच सौंठ पाउडर और 1 पिंच हींग। अब इसे अच्छी तरीके से आप मिक्स कीजिए। फ्रेंड्स, सौंठ पाउडर डालने से पानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, अगर आपके पास है तो इसे आप ज़रूर ऐड करें। अब ये पानी तैयार है लेकिन आप इसमें अगर मार्केट जैसा कलर चाहते हैं तो इसमें 1 पिंच रेड फूड कलर ऐड कीजिए, इससे बिल्कुल इसका कलर ऐसा ही आ जाएगा जैसे मार्केट में ठेले वाले जो आपको गोलगप्पे खिलाते हैं और उनका मीठा पानी होता है ना एकदम रेड रेड, ऐसा ही इसका कलर हो जाएगा। अभी मैंने ज़रा सा कलर डाल दिया तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। और अब मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी बूंदी, इससे ये पानी दिखने में भी अच्छा लगेगा और टेस्ट भी इसका बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना नहीं चाहते तो मत डालिए। और अब हम बनाएंगे चटपटा तीखा पानी। अब यहाँ पर इसके लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और
और जितना हरा धनिया लिया है उससे थोड़ा कम हमें पुदीना लेना है। 2 हरी मिर्च ली हैं और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। अब ये धनिया मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है, धनिया को अच्छी तरह धो लिया है साफ़ करके, पुदीने को भी मैंने अच्छी तरह धो लिया है। अब ये अदरक और हरी मिर्च भी इसके अंदर, आप चाहें तो हरी मिर्च थोड़ी और भी डाल सकते हैं, 2 हरी मिर्च और ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो। और अब इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको पीस लीजिए। यहाँ पर धनिया मैंने डंडी सहित लिया है और पुदीने के केवल पत्ते पत्ते लिए हैं। अब ये मैंने इसे पीस के तैयार कर लिया है और इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब आप इसे इसी तरह फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपको खट्टा पानी बनाना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ मैं खट्टा पानी बना के तैयार कर रही हूँ, तो इसके लिए जो हमने ये धनिया और पुदीना पीस के तैयार किए हैं इसे मैं बोल में डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये 5-6 चम्मच के करीब धनिया और पुदीना ले लिया है और इसमें अब मैंने डाला है 1 लीटर पानी और अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। अब हमें इसमें ऐड करने हैं मसाले ताकि हमारा चटपटा तीखा पानी बनकर तैयार हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 पिंच हींग जो इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक, सफ़ेद नमक 1/2 चम्मच और अब जो इमली का पल्प हमने बचा के रखा था वो हमें इसमें ऐड करना है जिससे इसमें खट्टापन आएगा। अगर आपके पास इमली का पल्प नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस ऐड कर सकते हैं, आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अब ये मैंने इमली का पल्प इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से आप मिक्स कर दीजिए। यह आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है पानी का, बहुत ही अच्छा लग रहा है पानी, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पुदीने की। फ्रेंड्स मेरे हिसाब से मैंने इसमें मसाले परफेक्ट डाले हैं, मुझे इतना ही तीखा पसंद है। आप अगर तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और काली मिर्च और ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ इसमें ऐड की है थोड़ी सी बूंदी। अब इसमें डालिए 1 चम्मच चाट मसाला और इसे अच्छी तरह मिक्स कीजिए। फ्रेंड्स मार्केट में तीखा खट्टा पानी बनाने का मसाला भी आता है, आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब ये हमारा तीखा चटपटा चटाकेदार पानी बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स अगर आपको ये गोलगप्पे के दोनों पानी, खट्टा पानी और मीठा पानी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।